दोस्तों, जब से सोशल मीडिया आया है, जो भी वीडियो बनाने के शॉर्ट वीडियो बनाने के प्लेटफॉर्म हैं, उसमें अश्लीलता बढ़ती जा रही है। पहले आया शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म जो था टिकटॉक, और उसके साथ कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आए जो वीडियो बनाते थे शॉर्ट वीडियो, और वहाँ पे लाइक और फॉलोअर के लिए लोग, कुछ औरतें कुछ लड़कियाँ जो है कि अश्लील वीडियो बनाने लगी, और इससे और लोग देखे और लोग बनाने लगे, और अब तो इतने बढ़ गए हैं लोग देख देख के कि अगर एक बना रहा है, अगर उसके फॉलोअर लाखों मिलियन में पहुंच गए, तो लोग उसी नक्शे कदम पे चलने लगते हैं, और लड़की और औरतें, और वो सोचते हैं कि शायद मैं अश्लील बनाऊंगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा। और अच्छे अच्छे घर के भी मैं देख रहा हूं कि वो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और अगर उनके घर वाले मना भी करते हैं तो भी वो बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल एक आया है ना डायलॉग, अपनी लाइफ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। अगर घर के कोई सदस्य, मालिक, गार्जियन अगर मना भी करता है, तो वो लोग पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, तो बोलते हैं अपनी लाइफ अपने तरीके जिएंगे। कुछ लोग झगड़े हो जाते हैं, कुछ लोग माँ बाप रुष्ट हो जाते हैं, खपा हो जाते हैं, लेकिन अब बच्चों के खुशी के आगे घुटने टेक देते हैं। हालांकि उसमें खुशी क्या है? अगर आप कम कपड़े पहन के उल्टे सीधे वीडियो बना रहे हो, तो उसमें क्या खुशी है? बस मन को शांति मिल रही है कि हाँ, हमारे इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग हमको फॉलो करते हैं। अगर किसी वीडियो पे 1,000 2,000 4,000 लाइक आ गया, तो खुश, अरे इतनी लाइक मुझे, उसी में खुश है। क्या होगा उस लाइक का जब आपके पास इज्जत ही नहीं रहेगी? तो क्या होगा उस लाइक का, जरा सोचो। और इसकी वजह से जब ये नग्नता फैली, तो इसकी वजह से हमारे मोदी जी ने जितने भी प्लेटफॉर्म थे असली वीडियो बनाने के, टिकटॉक, लाइक ये या बहुत सारे ऐसे ऐप थे, उनको बैन लगा दिया गया। लेकिन अब जो लोग वहां पे थे, वो लोग आ गए इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे पूरी तरह इस समय अश्लीलता कब्जा कर लिया है, और उसके बाद अब